ये कहानी एक ऐसे आदमी पर आधारित है जो अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक धंधे वाली औरत को खरीद लेता है। अब आगे क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हाउ मच डू यू लव मी नाम का एक बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है फ्रांस में रहने वाली फ्रैंक से, जिसके पास कोई परिवार नहीं होता जो उससे प्यार करे। फ्रैंक साधारण सा दिखने वाला एक साधारण आदमी था जो एक छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करता था। फिर अचानक फ्रैंक को एक दिन बहुत बड़ी रकम वाली लॉटरी लगता है और वो रातों रात अमीर हो गया था, मगर उसका खुशी बांटने के लिए उसके पास कोई अपना नहीं होता। अब फिर वो एक बार में जाकर वहाँ बैठी डेनी नाम का एक धंधे वाली को देखने लगता है। उससे काफी समय देखने के बाद वो बार के अंदर जाता है। अब वो डेनी के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारा प्राइस क्या है, तुम एक दिन में कितना कमा लेते हो। ये सुनकर डेनी मुस्कुराती है। इसके बाद फ्रैंक उससे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे एक महीने के लिए रहना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 1,00,000 यूरो दूंगा। एक धंधे वाली के लिए ये बहुत बड़ी रकम है, इसीलिए डेनी मान जाती है। डेनी उसके साथ जाने से पहले उससे अपनी सारी शर्तें बताती है और वो शर्तें ये है कि मुझे एडवांस देना होगा और तुम कभी मेरे साथ मारपीट नहीं कर सकोगे, और आखिरी शर्त ये है कि उसे पूरी रेस्पेक्ट दिया जाए। फिर फ्रैंक उसकी तीनों शर्तें मान के उसे अपने घर लेके आता है। फिर फ्रैंक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बेहोश हो जाता है, जिससे डेनी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डॉक्टर को बुलाती है। दरअसल फ्रैंक दिल का मरीज था, इससे पहले उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, और अचानक से डेनी के आ जाने से वो बहुत ज्यादा खुश होता है, इसीलिए उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। डेनी को फ्रैंक के घर में अपनापन महसूस होता है, पर वो साथ ही साथ फ्रैंक का भी ध्यान रखती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर फ्रैंक को कुछ हो गया तो उसे उसका पैसा नहीं मिलेगा। अगले दिन सुबह डेनी फ्रैंक को तैयार कर रही थी, वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी डेनी उससे पूछती है कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, फिर तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो। ये सुनकर फ्रैंक उसे प्यार से समझाता है और फिर ऑफिस जाने लगता है, लेकिन तभी सीढ़ियों पर उसके तबीयत फिर से खराब हो जाती है। अब वो घर आकर अपनी डॉक्टर दोस्त को फोन करके अपने घर बुलाता है। जब वो डॉक्टर फ्रैंक के घर आता है तब वो डेनी को देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी उसके घर में लड़की नहीं देखी थी। फिर डॉक्टर फ्रैंक को चेक करके उसे कम प्यार करने की सलाह देता है। इस डॉक्टर के नाम जॉन था। फ्रैंक को चेक करने के बाद वो डेनी के पास जाकर कहता है कि क्या तुम धंधे वाली हो। फिर उसके हाँ कहने पर उससे फ्रैंक से दूर रहने के लिए कहता है, मगर डेनी ने कहा कि वो उससे प्यार देना चाहती है, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। जाते जाते जॉन फ्रैंक को सलाह देता है कि वो अपने पैसे ऐसी धंधे वाली पर ना उड़ाए, पर फ्रैंक उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फ्रैंक डेनी के साथ बहुत घूमने फिरने लगा। दरअसल फ्रैंक को लग रहा था कि वो जल्द ही मरने वाला है, इसीलिए वो डेनी के साथ मजे कर रहा था। वो दोनों बहुत खुश रहने लगे थे और डेनी भी फ्रैंक का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी थी, इसीलिए उसकी हालत अब पहले से ठीक होने लगी थी। फिर एक दिन जॉन फ्रैंक से मिलने उसके घर आता है। वो उससे बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करने लगा हूँ, वो मेरे पड़ोस में ही रहती है, पर उसे कैंसर है और मैं ही उसका इलाज कर रहा हूँ। फिर कुछ दिन बाद फ्रैंक जॉन को फोन करके अपने घर बुलाता है, क्योंकि डेनी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। जब जॉन डेनी को देखने उसके पास जाता है तब डेनी उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और अपने कपड़े खोल देती है। फिर जॉन डेनी को बिना कपड़ों के देख के उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी और हार्ट अटैक होके उसका वही पर ही मौत हो जाता है। अगले दिन फ्रैंक जब जॉन की सुख सभा में जाता है तब उसे पता चलता है कि जिस लड़की से जॉन प्यार करता था उसकी तो 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, पर जॉन उसे अपने ख्यालों में ही जिंदा रखा हुआ था। ये सच जानकर फ्रैंक को बहुत बुरा लगता है। फ्रैंक और डेनी बहुत अच्छे से रहने लगे थे, जैसे कि वो दोनों पति पत्नी है। फ्रैंक की सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। ऑफिस में सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि अचानक से फ्रैंक बहुत खुश रहने लगा था और वो मन ही मन मुस्कुराता रहता था। जल्द ही उन्हें पता लगता है कि फ्रैंक की लाइफ में कोई लड़की आ गई है। वो सभी फ्रैंक से कहते हैं कि हम तुम्हारे फ्रेंड से मिलना चाहते हैं। फिर बार बार कहने पर जब फ्रैंक उन्हें घर पर लेकर आता है तब डेनी वहाँ कहीं भी नहीं थी और ना ही उसका कुछ सामान था। ये देखकर वो अपनी दोस्तों के सामने शर्मिंदा होता है और डेनी के इस तरह बिना बताए जाने से वो बहुत उदास भी हो रहा था। फिर वो रात को उसी बार में आता है जहाँ डेनी काम करती थी। यहाँ आकर वो एक औरत से मिलता है। वो बातों बातों में उसे अपनी लॉटरी के बारे में बोल देता है। उसका ये बात सुनते ही एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली लड़की
कि उसका करीब आता है। वो कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो फ्रैंक से उसी तरह बात कर रही थी जिस तरह डेनी उससे बात करती थी, लेकिन फ्रैंक उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो यहाँ डेनी से मिलने आया था। थोड़ी देर बाद डेनी उसे मिलती है। वो उससे माफी मांगने लगती है और माफी मांगते हुए ये कहती है कि मुझे भूलकर तुम उस लड़की से शादी कर लो। मगर फ्रैंक ने कहा कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकती। डेनी उससे बताती है कि मेरे दिल में कोई और है, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। ये सुनकर फ्रैंक को बहुत बुरा लगता है और उसका तबीयत बहुत खराब हो जाता है। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर डेनी डॉक्टर को बुलाती है और उसके साथ उसकी घर पर आती है। उसी बीच फ्रैंक को पता चलता है कि डेनी शादीशुदा है और उसका पति एक गैंगस्टर है और जहाँ वो काम करती है वो बार उसका पति का ही है। फिर फ्रैंक डेनी से पूछता है कि क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं हुआ। पहले तो वो चुप रहती है पर फ्रैंक के बार बार पूछने से वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है पर जैसा तुम मुझे बनाना चाहते हो वो बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें मेरे पति से बात करनी होगी, उसके साथ मेरा सौदा करना होगा क्योंकि वो एक लालची इंसान है। फिर फ्रैंक डेनी को लेकर जब उसके पति से बात करता है तब उसका पति बोलता है कि तुम्हें डेनी के बदले लॉटरी में जीते हुए सारे पैसे मुझे देने होंगे। लॉटरी के बारे में डेनी ने ही उसके पति से बात किया था। दरअसल डेनी को वापस बुलाना उसका पति का ही एक चाल था ताकि वो फ्रैंक से सारे पैसे ले सके। ये सब सच जानकर फ्रैंक डेनी को नहीं बल्कि पैसों को चूज करता है और डेनी को अपनी पति के पास रहने को कहता है। फ्रैंक का फैसला सुनकर डेनी को बहुत गुस्सा आता है। उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि उसने उसे छोड़कर पैसों को चुना। फिर फ्रैंक को गालियां देने के बाद वो अपनी पति के साथ चली जाती है। मगर इन दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे। एक दिन डेनी का पति उसके लिए दो ग्राहक लेकर आते हैं ताकि डेनी के साथ वो लोग मजे कर सके, मगर डेनी मना कर देती है जिससे उसका पति नाराज हो जाता है और गुस्से में उसे गालियां देकर उससे घर से निकल देता है। अब डेनी अपना सामान लेकर फ्रैंक के घर आती है। यह आकर वो देखती है कि फ्रैंक अपने पड़ोसन के साथ मजे कर रहा था, मगर डेनी को ये देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर फ्रैंक भी उसे छोड़ देता तो वो भी किसी और के साथ रहने लगती। डेनी फ्रैंक को बताती है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इस बार मैं पैसों के लिए तुम्हारे पास नहीं आई बल्कि अपने पति को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे होने आई हूँ। ये सुनकर फ्रैंक उसे माफ कर देता है और उसे अपने साथ रहने देता है। फ्रैंक पहले दो हफ्तों से अपने काम पर भी नहीं गया था, इसके कारण उसके ऑफिस वाले उसे मिलने उसके घर आ जाते हैं जहाँ डेनी उनका स्वागत करती है। इसके बाद वो सभी मिलकर पार्टी करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। डेनी को देखकर फ्रैंक के ऑफिस वाले बातें करने लगते हैं कि इसे इतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिल गई। तभी उन्हें पता चलता है कि डेनी एक धंधे वाली है। ये जानकर वो कहते हैं कि वो एक ना एक दिन डेनी फ्रैंक को छोड़कर चली जाएगी। उन लोगों का ये सोचना कहीं ना कहीं सही था क्योंकि धंधे वाली औरत कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, वो लोग सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। लेकिन डेनी इन सब से बहुत अलग थी। वो फ्रैंक के साथ रहते रहते पूरी तरह से बदल जाती है। वो एक नॉर्मल लड़की बनकर फ्रैंक का ध्यान रखती है। उसके प्यार और सेवा से फ्रैंक के दिल की बीमारी भी ठीक हो रही थी। अभी डेनी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो पहले एक धंधे वाली हुआ करती थी। फ्रैंक के प्यार ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। लेकिन मूवी में ये पता नहीं चल पाया कि फ्रैंक को सच में लॉटरी लगी थी या फिर वो झूठ बोल रहा था। उसने कभी भी डेनी के साथ पैसों के बारे में कुछ बात नहीं किया था। डेनी के साथ सौदा करने से पहले वो रोज रात को उस बार के सामने जाकर वो डेनी को देखता ही रहता था। शायद डेनी को पाने के लिए उसने लॉटरी का झूठ बोला था। खैर कुछ भी हो, आखिरकार फ्रैंक को एक प्यार करने वाला परिवार मिल गया था और इसी के साथ ये मूवी यही पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन पर, तब तक।